यूपी की अखिलेश सरकार भले ही विकास और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लाख दावे कर रही हो, लेकिन सूबे में सरकारी अस्पतालों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि मरीजों को इलाज कराने के लिए घंटों डॉक्टर का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर अस्पतालों से नदारद हैं। ये वीडियो है देवरिया जिले के भालीचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि डॉक्टर की जगह वहां के कंपाउंडर मरीजों को देख रहे हैं। यही स्थिति जिले के हर अस्पताल की है। वहीं इस बारे में जब जिले के सीएमओ से पूछा गया तो उनका क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। भालीचौर नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैतालपुर के अंतर्गत है। वहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर का पद है, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर के अनुपलब्धता के कारण वहाँ पर एक एमओसीएच को बगल से जो है काम को लगाया गया है। जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं वो काम नहीं कर रहा है, अभी मेरे आपके कहने के बाद जो है मैंने वही सलेम बैतालपुर के तुरंत फोन से कहा था कि एक महीने की उनकी पूरी कार्य की जगह जाँच करिए, और जाँच करके उसको रिपोर्ट दीजिए। ऐसे में सवाल उठता है कि अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं का दंभ भरने वाली अखिलेश सरकार की आंखें आखिर कब खुलेंगी, और डॉक्टर कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अस्पतालों की तरफ रुख करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब अखिलेश सरकार को देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया।